आखिरी वसे दाखिला मौसी नकवी का नात्रा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। शहरी ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मौसी नकवी ने शहरी से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। कहा कि नात्रा सेंटर शिमला पहाड़ी को बहुत जल्द मिसाली सेंटर बनाएंगे, शिकायत का जल्द अजाला करके शहरियों को रिलीफ देंगे। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी पर कोई फैसला न कर सकी। वसरा कमेटी का आज दोबारा इजलास होगा। इजलास के बाद किसानों से बातचीत की जाएगी। किसान रहनुमा सुल्तान जावेद का कहना है कि किसानों ने भी कल तक डेडलाइन दी है, आइंदा के लाहे अमल का कल ऐलान करेंगे। हुकूमत का चीनी की बरामद की इजाज़त ना देने का फैसला। शुगर मिल्स मालिकान चीनी बरामद की सूरत में कीमत ना बढ़ने की यकीन दहानी ना करवा सके। हुकूमत ने मुतल्लिका एसोसिएशन से तहरीरी यकीन दहानी मांगी थी। ज़राए के मुताबिक चीनी बरामद करने की इजाज़त मिलते ही मार्केट में चीनी की कीमत 25 रुपये तक बढ़ सकती है। ई चलान ना दहिंदगान गाड़ियों के खिलाफ लॉकडाउन, 5 टीमें तश्कील। ट्रैफिक सिग्नल, लैंड लाइन, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चलान किए जा रहे हैं। काले शीशे और नंबर प्लेट्स पर काले हिंसे लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। सीटीओ लाहौर का कहना था कि डिफॉल्टर गाड़ियों को पुलिस स्टेशन और सेक्टर्स में बंद कर दिया जाएगा। ई चलान ना दहिंदा गाड़ियों के मालिकान पुलिस सर्विसेज हाथ से नहीं कर सकेंगे। कैमरों की मदद से ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बेगो रहमान से बरतानिया से आए तालीमी डेलीगेशन की मुलाकात। डेलीगेशन में बरतानिया की यूनिवर्सिटीज़ के काबिल जिक्र मंदूबीन और ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान के नुमाइंदगान शामिल। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ अपने दरीना तालुकात को बहुत अहमियत देता है। बरतानवी यूनिवर्सिटीज से वाबस्ता अकेडमीज पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ के साथ तालीमी तबादले को मजबूत करें। वकला पर दर्ज मुकदमात खत्म करने का मामला। वकला तंजीमों का 29 अप्रैल को मातहत अदालतों में हड़ताल का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट बार ने पीर को 11:30 बजे हड़ताल की कॉल दी। इलामी के मुताबिक वकला के खिलाफ दर्ज मुकदमात खत्म। लाहौर की मॉडल टाउन कोर्ट्स में अदालतें मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन वापस लिया जाएगा। तलब के मुकाबले में सप्लाई बेहतर। चिकन 7 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 595 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपये फी किलो तक कमी। जिंदा ब्रायलर होल सेल 395, परचून रेट 410 रुपये किलो मुकर्रर। फार्म अंडों की कीमत 237 रुपये फी दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 6,990 रुपये में दस्तयाब। डेंगू लार्वा की रोकथाम के लिए सरे इंतजाम मुतहरिक। DC लाहौर राफी हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स के फील्ड में दौरे। कंस्ट्रक्शन साइट से डेंगू लार्वा बरामद होने पर ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डेंगू लार्वा तरफ DC लाहौर का कहना था कि डेंगू टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं। कानूनदान असमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात की शिरकत। तकरीब 22 मुख्तलिफ सेशंस पर मुश्तमिल होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस और यूरोप बरतानिया नॉर्वे के सुफरा की शिरकत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद का नबासी समेत दीगर सियासी शख्सियात खिताब करेंगी। पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल समेत मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। दो इदारों की जंग से लाहौर का बड़ा पार्क तबाह हाल हो गया। कलमा चौक सेंट्रल पॉइंट पर वाकई नेशनल पार्क की हालत इजहार। PHA और CBD पंजाब की चपकलिश से शहरी सस्ती तफरी से महरूम। पार्क में वाकई झील का पानी साफ न होने से तापमान उठने लगा। झील पर बना पुल खस्ता हाल, बेशतर मकामात से पुल ही गायब।
सूबाई दारुलहुकूमत लाहौर में आज बारिश का इम्कान। सूरज की आंख में चौड़ी जारी रहेगी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। कम से कम टेम्परेचर 22 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 65% तक जा पहुँचा। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 113 रिकॉर्ड। रुतबे के एतबार से लाहौर दुनिया में 11वें नंबर पर आ गया। और जवानी में अदम के वास्ते समान कर काफिल। मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है। मरूफ ड्रामा निगार और शायर आगा हशर कश्मीर को मदाहों से बिछड़े 89 बरस बीत गए। आगा हशर कश्मीरी कातरे कलाम शायर भी थे। थिएटर की तारीख का जब भी जिक्र आएगा आगा कश्मीरी का नाम ज़रूर लिया जाएगा।